ये है दिल्ली दर्पण। जिंदगी भर हवाओं के भ्रम तोड़ता रहा, अजीम शख्स था, पूरी सदी दौड़ता रहा। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। नहीं रहे देश के दमदार धावक और भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाले सरदार मिल्खा सिंह। कोरोना से जंग जीतने के बाद जिंदगी की जंग में हार गए फ्लाइंग सिख। शुक्रवार देर रात उन्हें चंडीगढ़ के पीजे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने रात करीब 11:30 बजे अपनी अंतिम सांस ली। भारत के खेल इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाने वाले मिल्खा सिंह एक सफल एथलीट थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान तक सब उनके हुनर के मुरीद थे। बीते दिन गुरुवार को ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव हुए थे। मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए आज 3 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके सेक्टर 8 स्थित घर में रखा जाएगा। इसी हफ्ते कोरोना के कारण उन्होंने अपनी पत्नी निर्मला को खो दिया था। वे अपनी बिगड़ी तबीयत की वजह से उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल ना हो सके। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई लंबी दौड़े लगाई। साल 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाए। इसके बाद उसी साल टोक्यो में आयोजित हुए एशियन गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 1958 में ही इंग्लैंड के कार्डिफ में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। उस समय आजाद भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले वे पहले भारतीय थे। इतना ही नहीं, रोम में आयोजित ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की रेस को 45.73 सेकंड में पूरा कर नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले वे पहले व्यक्ति बने। ऐसे महान खिलाड़ी के निधन की खबर सुनकर सभी स्तब्ध रह गए हैं। देश को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले फ्लाइंग सिख को दिल्ली दर्पण की ओर से श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर